जय हिंद। एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने फूड क्रॉप्स के ज्योग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के ज्योग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में देखते हैं कि रबर को कल्टिवेट करने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि रबर इक्वेटोरियल रीजन की क्रॉप है, इसको इक्वेटोरियल एरियाज में उगाया जाता है। बट हाँ, प्रॉपर कंडीशंस अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ तो इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी कल्टीवेट किया जा सकता है। बट नेचुरली रबर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन्स में उगाई जाती है। रबर के कल्टीवेशन के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रबर के कल्टीवेशन के लिए रेनफॉल कितनी चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर, मतलब बेहद ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और रबर के कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। बहुत सिंपल, रबर नेचुरली इक्वेटोरियल एरियाज में उगाई जाती है, कल्टिवेट की जाती है। रबर के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। रबर बेहद इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिया में अगर बात करें तो रबर का कल्टीवेशन कहाँ होता है? केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका में होता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रबर का कल्टीवेशन किया जाता है। और फिर गारो हिल्स, मेघालय में तीन हिल्स अपन ने पढ़ी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उनमें से गारो हिल्स में रबर का कल्टीवेशन किया जाता है। एक बार फिर से अगर देखें तो रबर को नेचुरली इक्वेटोरियल रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाएँ तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी रबर का कल्टीवेशन किया जा सकता है। रबर के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। रबर बेहद इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडिया में कहाँ उगाया जाता है रबर को? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और मेघालय की गारो हिल्स में। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। देखो, रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, बट हाँ, प्रॉपर कंडीशंस अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ तो इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी कल्टीवेट किया जा सकता है। रबर के कल्टीवेशन के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। रबर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इंडिया में कहाँ कहाँ कल्टीवेट किया जाता है इसको? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और मेघालय के गारो हिल्स में। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद बात की गई है फाइबर क्रॉप्स के बारे में। देखो, हमारे कंट्री में चार फाइबर क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है जो कि मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। उनमें से कौन है चार चार? एक है कॉटन, दूसरा है जूट, तीसरा है हेम्प और चौथा है नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। हेम्प बेसिकली होती है भांग, कॉटन, जूट और नेचुरल सिल्क आपको समझ में आता है। कॉटन, जूट और हेम्प का जो कल्टीवेशन है वो तो किया जाता है सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है इनको, लेकिन ये जो नेचुरल सिल्क है ये ऑप्टेन की जाती है फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्क वॉर्म्स जो हैं वो एक वेव फॉर्म की चीज़ को फॉर्म करते हैं। ये जो वेव है इसको बोलते हैं ककून्स, और इसी ककून्स में से ऑप्टेन किया जाता है नेचुरल सिल्क को। और ये जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, इट इज़ नोन एज सेरीकल्चर। देखो, अपन ने दो बातें की। मेजर फाइबर क्रॉप्स इंडिया में चार हैं, कौन कौन सी? कॉटन, जूट और हेम्प। कॉटन, जूट और हेम्प को तो सॉइल में उगाया जाता है, लेकिन ये जो नेचुरल सिल्क है इसको ऑप्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म्स के ककून से। ककून्स बेसिकली क्या बोल सकते हैं अपन कि सिल्क वॉर्म का जो बच्चा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्क वॉर्म्स जो हैं वो एक वेव फॉर्म की चीज़ को फॉर्म करते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं ककून्स। ये जो ककून्स हैं इनसे ऑप्टेन किया जाता है नेचुरल सिल्क को। और ये जो खेती है एक तरीके से कि हम सिल्क को ऑप्टेन करने के लिए सिल्क वर्म्स का पालन कर रहे हैं, ये जो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, इट इज़ नोन एज सेरीकल्चर। बहुत सिंपल। फिर इसके बाद बात की गई है कॉटन के बारे में, और कॉटन से रिलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं उनको भी पहले अपन शॉर्ट में देखते हैं। देखो, कॉटन जो है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है। कौन से सीजन की क्रॉप है? खरीफ सीजन की क्रॉप है। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए लाइट रेनफॉल चाहिए या फिर लाइट इरिगेशन चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, और एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए या लाइट इरिगेशन प्रोवाइड कर दो। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होनी चाहिए, मतलब ऐसे दिन जब ओस वगैरह ना पड़े,
जब ये बर्फ़ वगैरह ना पड़े, लगभग 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने ही होने चाहिए कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। कॉटन को पकने के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए। कैसी सनशाइन चाहिए? ब्राइट सनशाइन चाहिए। और कॉटन को मैच्योर होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉटन खरीफ सीजन की क्रॉप है, इसके कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, बारिश एक साथ नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए या लाइट इरिगेशन चाहिए। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने ही होने चाहिए। इसके पकने के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए और कॉटन को मैच्योर होने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन का, और ये स्पेशल फैक्ट है, मतलब कॉटन जो है वो हमेशा से इंडिया में होते आया है, इसको कहीं से बाहर से नहीं लाया गया है। अपन ये कह सकते हैं कि कॉटन जो है वो इंडिया के लिए एंडेमिक है, हमेशा से यहीं होता आया है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चाइना है। पहले नंबर पर चाइना, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉटन का कल्टिवेशन कहाँ होता है? ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इसमें ये जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, यहाँ पर कॉटन का कल्टिवेशन खूब सारा होता है। जहाँ पर भी डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, या ये कहें कि ब्लैक सॉइल मिलती है, वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन खूब होता है। स्टेट वाइज अगर देखें तो महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में किया जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में किया जाता है, कर्नाटका में भी कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कल्टीवेशन किया जाता है, पंजाब हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह इतनी बेहतर हैं कि आप किसी भी क्रॉप को ज़बरदस्ती भी कल्टीवेट कर लेते हो तो पंजाब और हरियाणा में कॉटन का कल्टीवेशन कर लिया जाता है, और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। जो मेजर कल्टीवेशन होता है कॉटन का, वो होता है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका वगैरह में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी थोड़ा बहुत कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। बहुत सिंपल, कॉटन खरीफ सीजन की क्रॉप है, इसके कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल या लाइट इरिगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, इसको मैच्योर होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन का। प्रोडक्शन के मामले में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। वो एरियाज जहाँ पे कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू वाले स्टेट्स में जनरली कल्टीवेट किया जाता है, वो एरियाज जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पे कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। कौन कौन से? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, फिर इसके अलावा तेलंगाना है, तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। और यही सब कुछ लिखा हुआ है कॉटन के टेक्स्ट में। देखो, इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से कॉटन के ऊपर चलती है। कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा होता है। इट ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। हमारे कंट्री में डेक्कन प्लेट्यू में जहाँ भी ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल या लाइट इरिगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने ही होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, और ये खरीफ सीजन की क्रॉप है, इसको मैच्योर होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? अभी अपन ने नाम देखे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। फिर नॉन फूड क्रॉप्स में बात आती है जूट के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट के कल्टीवेशन के लिए एक तो चाहिए हाई टेम्परेचर। जूट के कल्टीवेशन के लिए एक तो चाहिए क्या? हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरा, इस जूट के कल्टीवेशन के लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें बढ़िया पानी होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में स्पेशली जूट को कल्टीवेट किया जाता है फ्लड प्लेन्स में, क्योंकि फ्लड प्लेन्स में सॉइल फर्टाइल भी होती है और वेल ड्रेन्ड भी होती है। बहुत सिंपल, जूट के कल्टीवेशन के लिए एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए और दूसरा सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। इंडिया में जूट कहाँ कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में कल्टीवेट किया जाता है, बिहार में खूब सारा जूट कल्टीवेशन होता है, आसाम में कल्टीवेट किया जाता है, उड़ीसा में कल्टीवेट किया जाता है, इसके अलावा मेघालय में भी खूब सारा कल्टीवेशन होता है जूट का। जूट के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे जूट के बैग्स बनाए जाते हैं, मैट्स बनाई जाती हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे
कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स जूट से बनाए जा रहे हैं इनकी डिमांड अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम क्यों होती जा रही है? बिकॉज जूट के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कॉस्टिंग बहुत हाई आती है, हाई कॉस्ट आती है, और इसके कंपैरिजन में जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं या फिर ये कहें कि प्लास्टिक वगैरह के जितने भी मटेरियल्स हैं वो सस्ते में आ जाते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक वगैरह की डिमांड बढ़ती जा रही है, जूट के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड हाई कॉस्ट की वजह से कम होती जा रही है। इसके बारे में शायद अगले चैप्टर में बातचीत की गई है, अपन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये जूट जो है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है। जूट को कल्टिवेट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इंडिया में मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है और मेघालय है। और इसके साथ नॉन फूड क्रॉप्स की ज्योग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बातचीत खत्म हो गई। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, लेकिन इसको अपन कल पढ़ेंगे, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को आप प्रॉपरली लिखो, दो चार बार रिवाइज करो, इनको दिमाग में सेट करो। हालांकि एक एक क्रॉप की एक एक चीज़ आपको याद नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर शुगर केन की जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, टी और कॉफ़ी की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, टी और कॉफ़ी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं तो थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखो, रबर के बारे में थोड़ा बहुत पता करके रखो, जूट आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा फाइबर क्रॉप्स में कुछ है ही नहीं, कॉटन बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉटन की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको ढंग से याद करो, बाकी चीज़ों की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखो। इसके साथ आज की बातचीत अपन खत्म कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।